नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई विजिट वीजा के बारे में। क्या आप लोग किसी भी देश में विजिट में काम कर सकते हैं विजिट वीजा में जाके? जी हाँ, यानी ये एक बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि नॉर्मल लोग इसको नॉर्मली तरीके से लेते हैं, यार विजिट वीजा में क्या है, चलता रहता है। बता दूँ, विजिट वीजा में आपको ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको ब्लैक लिस्ट करके आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, दोबारा आप उस कंट्री में नहीं जा सकते। जी हाँ, अभी इंडिया में इंडिया ने भी एक बंदे को ब्लैक लिस्ट किया है, जो शायद अमेरिका पता नहीं कौन सी देश का, न्यूज़ भी आई होगी आपने देखा होगा। उसने इंडिया में किसी लड़की से हरियाणा में शादी कर रखी थी, आपको पता है मशहूर यूट्यूबर भी उनको बोला गया था। वो क्या किया कि वो आता इंडिया में, 6 महीने तक इंडिया में रहता विजिट वीजा पर, यहाँ पे कुछ काम कर रहा था। तो जैसे ही उसकी शिकायत हुई, पता लगा, तो उसको 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। जी हाँ, तो इस तरीके से अगर आप भी किसी देश में जाते हैं जॉब के लिए, खास तौर से यूएई, दुबई की हम बात करें, तो दुबई में 80% लोग विजिट टू एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं या फिर घूमने के लिए जाते हैं। तो आज अगर एग्जांपल हम यूएई से रिलेटेड बात करेंगे, बाकी ये सब देशों के ऊपर ये बातें लागू होगी। तो क्या आप दुबई में विजिट वीज़ा लेके यहाँ से जाते हैं, क्या आप काम कर सकते हैं? अगर आप काम कर सकते हैं तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आप किस तरह से काम कर सकते हैं, आपके खिलाफ़ में क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है, डिटेल्स हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर रखें ताकि हर रोज आपको वीएस से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, दुबई का जो कानून बना हुआ है उसमें साफ साफ विजिट टू एम्प्लॉयमेंट के बारे में, या विजिट टू वर्क परमिट के बारे में, या विजिट टू जॉब के बारे में, काम करने के बारे में साफ साफ ये बातें बताई गई 1973 के एक्ट 6 में, 1985 एक्ट 7 में, और 1996 एक्ट 13 में, और 2017 में एक्ट 17 में। जी हाँ, इनमें सब में एक्ट जो अलग अलग हैं उसमें समय समय पे सुधार किया गया है, और विजिट टू एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जॉब के बारे में बताया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय से आपको वैध परमिशन के बिना ये काम नहीं कर सकते, इसके लिए बता दूं आपके खिलाफ में एक्शन लिया जा सकता है। बात करें तो केवल टूरिस्ट वीज़ा का मतलब क्या होता है, आप टूरिस्टर हैं, आप घूम सकते हैं, किसी से मुलाकात कर सकते हैं, किसी के मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड काम करने के अलावा सब कुछ कर सकते हैं, काम में बिजनेस भी आता है, ध्यान रखें। 13 में उस साफ साफ बताया गया कि मोहरे की मंजूरी के बिना आप काम नहीं कर सकते। आप मोहरे की मंजूरी कैसे मिलती है मैं बता देता हूँ, आपको भी दिक्कत आएगी भाई। देखिए, आप यहाँ से विजिट में जाते हैं, आप जैसे कंपनी में जैसे ही अप्लाई करते हैं तो कंपनी आपके डॉक्यूमेंट मोहरे में सबमिट करती है। आपको पता होगा, आपको लगता है ना कि कंपनी ने डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दिया, फिर आप विजिट वीज़ा नहीं लगा लेकिन आप काम कर रहे हैं। जी हाँ, वो एक मोहरे की अनुमति होती है, उसका मतलब होता है कि आपके डॉक्यूमेंट, आपका वीज़ा अंडर वेरिफिकेशन, अंडर प्रोसेस में, आपका वीज़ा महीना डेढ़ महीने में लग जाएगा, उस दौरान आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया। अब गवर्नमेंट का काम है वो वीज़ा लगाएगी, तो उस दौरान आप बैठ तो नहीं सकते, कंपनी भी नहीं बिठा सकती। तो आपको एक, आपके पास कंपनी के पास उसकी अथॉरिटी होती है कि आप विजिट में हैं लेकिन काम कर सकते हैं, आपके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होगी और कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी। कई बार आपने देखा होगा कि आप लोग विजिट में जाते हैं 3 महीने के वीज़ा में, फिर आप जैसे जाते ही कंपनी में काम लग जाते हैं, कंपनी 1-2 महीने तक तो आपको टोकती भी नहीं है कि भाई आपका वीज़ा लगवाना है कि नहीं लगवाना है, उस दौरान आपकी शिकायत हो जाती है, कंपनी की शिकायत हो जाती है, तो आपको तो किया जाएगा ब्लैक लिस्ट, क्योंकि आप विजिट में जॉब कर रहे थे, आपका वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट लीगल तरीके से मोहरे में सबमिट नहीं है, अंडर प्रोसेस नहीं है वीज़ा लगवाने के लिए, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और कंपनी पर भी बता दूँ 50,000 दुबई दराम का फाइन है भाई, तो कंपनी की आपसे ज़्यादा यूँ होती है, समझ गए बात को, क्योंकि आपको तो चलो ब्लैक लिस्ट ही होते हैं लेकिन कंपनी को 50,000 दराम फाइन कम नहीं होता। एक कैंडिडेट का ये तो नहीं है नहीं कि कंपनी अगर एक ऐसे लोगों से काम करवाती है, एक ही होगा, 10, 20, 30, 50 होंगे, तो कंपनी के तो बच गए ना 12, तो कंपनी आपसे ज़्यादा डरती है। दोबारा अगर कंपनी पकड़ेगी तो वो जो जुर्माना कंपनी का जस्ट डबल हो जाता है। तो कहने का मतलब, आप मुर्गी से महंगा मसाला पड़ता है, इसीलिए कंपनी वीज़ा लगवाने की सोचती है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आप, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लेटर पंटर होते हैं, जिनके पास छोटी मोटी कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन है या कोई दुकानदार है, उसने आपको रख लिया कोई गैराज में, कोई काम में इधर उधर रख लिया, वो लगाते हैं वीज़ा लगाएंगे, भले देख लेते हैं आप कैसा काम करते हैं, उस दौरान आपकी आप पकड़ में आ जाते हैं, तो सिस्टम के अनुसार आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो जब भी आप विजिट में जाएं, तो जैसे कंपनी में आप एंटर हो जाएं, काम लग जाएं, तो कंपनी से रिक्वेस्ट करें कि सर मेरा वीज़ा अप्लाई कर दें, क्योंकि वीज़ा नहीं अप्लाई करोगे तो कंपनी के तो रिस्क ही है, उससे ज़्यादा आपको भी है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके इतने पैसे दे के वहाँ पर पहुँचे हैं, और कंपनियों में काम करने वाले भाई पैसे वाले तो नहीं होते, सब गरीब मजदूर होते हैं, तो उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है। तो इन चीज़ों को सावधानी रखने की आपको सख्त ज़रूरत है। बस ये अपडेट देनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।